subscribe Genique Education and click the bell icon for more updates. Welcome students. आज के लेक्चर में एक नई आपकी हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. सीरीज स्टार्ट करने से क्या मतलब है, बेसिकली जैसे आपका एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है, ठीक है, उसके अलावा आपका यूपीपीसीएल का जेई के भी पोस्टें सीटें आपकी आई हुई हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे आपके जेई के एग्जामिनेशन होते हैं. जेई का मतलब जैसे यूपीपीसीएल आपका हो गया, सीएसईबी छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, या फिर मैं बात करूं यूपी आरएनवीएल हो गया, सही, ऐसे पूरे अगर हम अक्रॉस ओवर इंडिया बात करते हैं, हिंदुस्तान लेवल बात करते हैं, तो जेई की एन नंबर ऑफ सीटें हैं, वैकेंसीज हैं, ठीक है, जो टाइम टू टाइम आपकी आती रहती हैं. हाँ, वो बात अलग है, एसएससी जेई आपका कंटिन्यूअस जनरली हर साल आपका होता है, ठीक है. तो हम आपको यहाँ पे आज पावर सिस्टम आपका थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं. थोड़ा सा पावर सिस्टम लेक्चर मैं भी आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है, लेकिन यहां इस सीरीज में हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम आपको बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कराना चाह रहे हैं, ठीक है. देखो, पढ़ने की अप्रोच क्या हो सकती है, पढ़ने की अप्रोच हो सकती है आपने थ्योरी पढ़ी, तो थ्योरी आप ऑलरेडी हम आपको पढ़ा भी चुके हैं और आप पढ़ भी चुके हो थ्योरी, ठीक है. तो यहां पे हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक. तो हम एक बड़ा सा न्यूमेरिकल लेंगे और उस न्यूमेरिकल को पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है. भले ही मेरी प्रोसेस में हो सकता है आधा घंटा लग जाए, लेकिन अब कई बच्चों के माइंड में क्या बात स्ट्राइक करेगी, बच्चों के माइंड में यह बात स्ट्राइक करेगी कि भाई पेपर मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है, पेपर मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, आप कोई भी जे का पेपर देने जाएंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों करें. बेसिकली यहां पर आप इस हमारी जो पढ़ाने की अप्रोच है वो क्या अप्रोच होगी कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सही, उससे आप ऑब्जेक्टिव कैसे बनाओ. कहने से आंसर कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप ढंग से लगाते हो तो मे बी पॉसिबल वो एक सिंगल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इक्विवेलेंट हो, सही. ये आपके सवाल को सॉल्व करने के अप्रोच पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस सवाल को डील कर रहे हो, ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, ऐसी भी बात नहीं है, प्योरली ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, सब्जेक्टिव भी कराएंगे, और सब्जेक्टिव अगर करा रहे हैं तो उससे क्या क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज हैं. क्योंकि अगर मैं एसएससी जेई की बात कर लूं तो वहां तो आपके दोनों पेपर होते हैं, वहां ऑब्जेक्टिव पेपर भी होता है और दूसरा पेपर आपका कन्वेंशनल भी होता है, ठीक है. तो यहां पे जो मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, टॉपिक वाइज कराऊंगा, या फिर जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं किसी भी जेई लेवल के, जेई एग्जाम की बात कर लें उसके, या फिर जिनके आने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, उन सारे चीजों को हमने मिला के सीरीज डिजाइन करी है. तो आज उसका पहला लेक्चर है, तो मैं आपको इंसुलेटर से स्टार्ट कर रहा हूं, सही. इंसुलेटर का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर दे रहा हूं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चलिए देखिए. इन ए 33 केवी ओवरहेड लाइन there are three units in the string of insulators. If the capacitance, if the capacitance between each insulator pin, and earth is 11% of self capacitance of
ईच इंसुलेटर फाइंड the distribution of voltage over three insulators. And सेकेंड पार्ट है आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी. ठीक, तो ये आपका पूरा न्यूमेरिकल है. अब यहां देखिए इस न्यूमेरिकल में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है देखिए. उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं. देखो ये क्वेश्चन भले ही सब्जेक्टिव है सही, लेकिन इससे आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे. तो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है. सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, मैं आपको यहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिजाइन करके बताऊंगा कि देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है ना. तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं. चलिए, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम सर ये होता है कि उस न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो. सही है, अगर आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ते हो ठीक है, तो आपके सवाल सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं. क्योंकि कई बच्चों के साथ क्या टेंडेंसी होती है, वो बहुत ही जल्दी 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 में सवाल को पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ डेटा मिस हो जाता है, और अगर डेटा मिस हो जाता है तो फिर सवाल गलत होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है. तो चलिए सवाल पहले देखते हैं, सवाल में क्या लैंग्वेज दे रखी है. देखिए इन ए 33 केवी, सही है, इन ए 33 केवी, 33 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है, ओवरहेड लाइन, ठीक है, ओवरहेड लाइन है आपकी. देर आर, और जनरली एक चीज और दिमाग में सेट करके रखिए, जनरली एक जनरलाइज करके बात हो रही है, ये जनरली आपका लाइन वोल्टेज होगा. यहां पर मेंशन तो है नहीं कि आपका लाइन वोल्टेज है या फिर फेज वोल्टेज है, तो जनरली बात हो रही है जनरलाइज करके, जनरली ये लाइन वोल्टेज होता है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है. इन 33 केवी ओवरहेड लाइन देर आर थ्री यूनिट्स, सही, तीन यूनिट्स हैं आपके पास, थ्री यूनिट्स इन द स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर, सही, यानी आपके पास तीन इंसुलेटर लगे हुए हैं, सही. इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन ईच इंसुलेटर पिन, सही, एंड अर्थ इज 11% ऑफ सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ ईच इंसुलेटर, सही. तो यहां पे अब आपकी क्या सीखने वाली बात है, जो मैं आपसे ऑब्जेक्टिव वाली बात कर रहा हूं. देखो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन किस टाइप से आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि भाई शंट कैपेसिटेंस क्या होता है, सेल्फ कैपेसिटेंस क्या होता है. तो अभी जब मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा तो बताऊंगा, तो आपसे इतना लंबा सवाल नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में, शंट कैपेसिटेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस. तो अगर इस सवाल की लैंग्वेज को आपको पढ़ रहे हो ध्यान से, सही, तो शंट कैपेसिटेंस सेल्फ कैपेसिटेंस के लॉजिक भी इसमें समझ में आएंगे आपको. 11% ऑफ सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ इन ईच इंसुलेटर. अब फाइन, पहला पार्ट है आपका, ये आपका पहला पार्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज ओवर थ्री इंसुलेटर. सही, हर एक इंसुलेटर डिस्क के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो हो गई, सही. मान लेते तीन इंसुलेटर है आपके, और मान लिया क्या लेते हैं, इसमें गिवन है आपका तीन इंसुलेटर, तो एक इंसुलेटर के अक्रॉस हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे V1, दूसरे इंसुलेटर के अक्रॉस हम मान लेंगे V2 वोल्टेज, तीसरे इंसुलेटर के अक्रॉस हम वोल्टेज मान लेंगे V3. यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है V1, V2, V3, सही, ये चीज आपने देखी. सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, सही, यानी स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपको V1, V2, V3 और स्ट्रिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक. तो देखो इन सवालों को सॉल्व करने का जो आपका पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप आपका क्या होता है, पहला स्टेप आपका यह होता है कि सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होता है, ठीक है. अब डायग्राम बनाने में क्या चीज आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करनी है, आपको ये कंसंट्रेट करना है कि कितनी नंबर ऑफ इंसुलेटर पिन आपको न्यूमेरिकल में गिवन है, सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं, सही, तो बोर्ड के पार्टीशन कर ले रहे हैं क्योंकि सवाल काफी लंबा जाएगा, ठीक है.
इसे रफ कर दे रहा हूं। चलिए तो सबसे पहले डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं तो एज्यूम करो मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बात है कि मुझे आप टावर मान लो, सही, मैं टावर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये मेरे दो आर्म हो गए, तो इन्हें मैं क्या बोलूंगा, इन्हें मैं बोलूंगा क्रॉस आर्म, सही है। कनेक्टर कैसे जाएगा भाई, दो तरीके से कनेक्टर जा सकता है, सही, ये है। तो ये मेरा क्रॉस आर्म है, वहां से ऐसे बंधा हुआ है कनेक्टर, या फिर मेरे इसके नीचे से पास हो रहा है, सही। तो ये मान लेते हैं क्या है, ये है मेरा इंसुलेटर डिस्क की स्ट्रिंग, जो इंसुलेटर डिस्क होता है ना, एक दो तीन, अभी मैं बना के दिखाऊंगा आपको, वो मेरी स्ट्रिंग हो गई और कंडक्टर आपका नीचे से ऐसे जा रहा है, ठीक है। इमेजिन हो गया। तो डायग्राम देखिए, डायग्राम आपका कैसे बनेगा, सिंपल, मैंने बोला मैं टावर हूं और ये मेरा क्रॉस आर्म है, तो एक टावर बना लो, एक क्रॉस आर्म बना लो। तो यहां क्या करते हैं, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, थोड़ा छोटा छोटा बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप जूम करके देख लेना, सही, ये टावर हो गया यानी मैं हो गया, ये मेरा क्रॉस आर्म हो गया, ठीक है, ये चीज इमेजिन हो गई। अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई तीन इंसुलेटर है, थ्री यूनिट इन द स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर, सही। तो मैं इंसुलेटर को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, मैं यहां पे एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दे रहा हूं, यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं तीन कैपेसिटर बना दे रहा हूं। सिंपल, मैंने क्या करा, एक कैपेसिटर, उसके बाद दूसरा कैपेसिटर। ये डायग्राम आप भी मेरे साथ बनाते चलो, क्योंकि बाद में इसमें बहुत सारी चीजें लिख दूंगा मैं, या फिर एक बार देखो उसके बाद बना लेना, ठीक है। ये मेरा तीसरा कैपेसिटर, ठीक है। नीचे क्या जाएगा, मैंने क्या बोला था, सिंपल, मैं टावर, क्रॉस आर्म, ये इंसुलेटर डिस्क लगी हुई है, एक दो तीन चार, एज्यूम करिए कंडक्टर नीचे से पास कर रहा होगा, ठीक है। यानी मैंने यहां पे बना दिया कंडक्टर, सही, ये क्या है मेरा कंडक्टर, ठीक है। उसके अलावा इसमें कौन सा कैपेसिटेंस बनेगा, उसके अलावा कैपेसिटेंस की अगर बात करते हैं, आपका दूसरा कैपेसिटेंस बनेगा ये आना। अब मैं आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन करता हूं कि ये कौन सा कैपेसिटेंस होगा, ठीक। अब मैंने आपको क्या बताया कि आपके दो टाइप के कैपेसिटेंस होंगे, एक कैपेसिटेंस होगा आपका शंट कैपेसिटेंस और एक आपका होगा सेल्फ कैपेसिटेंस, सही। अगर आपकी दो इंसुलेटर पिन, या फिर इंसुलेटर बोल लेते हैं, इंसुलेटर पिन के बीच में आपका कैपेसिटेंस बन रहा है, सही, जैसे यहां पे कहीं लिखा होगा ऑफ सेल्फ कैपेसिटेंस, सही। तो अगर ऑफ ईच इंसुलेटर, यानी एक इंसुलेटर आपका मान लिया एक सेकंड के लिए, ये हो गया बीच में कैपेसिटेंस बन रहा है, ठीक है। और इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे सेल्फ कैपेसिटेंस, ठीक है। और शंट कैपेसिटेंस क्या होगा, शंट कैपेसिटेंस होगा जैसे इसमें लिखा हुआ है आपके लैंग्वेज में, ईच इंसुलेटर पिन, सही, आपके इंसुलेटर की पिन होती है, इंसुलेटर सब, मैंने आपको, आप लेक्चर देखिएगा, मैंने पढ़ा रखा है, ये इंसुलेटर है तो नीचे पिन होती है, ग्रूव बना होता है, सही। तो यहां पे क्या होता है, पिन, जिससे हम उसे टाइट करते हैं, ठीक। तो वो पिन हो गई, यानी ईच इंसुलेटर पिन हो गई, अर्थ हो गया, यानी ये यहां पर अर्थिंग कर रखी होगी हमने। तो वो जो कैपेसिटेंस बनता है टावर के साथ, भाई अगर इंसुलेटर के बीच में बनता है कैपेसिटेंस, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं सेल्फ कैपेसिटेंस। और अगर टावर या अर्थ, सही, टावर की ऑब्वियसली बात अर्थिंग होगी, तो इंसुलेटर पिन का या फिर इंसुलेटर का अर्थ के साथ जो कैपेसिटेंस बन रहा है, उसे हम बोलते हैं शंट कैपेसिटेंस, ठीक है। दरअसल जो आपका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ होता है, गड़बड़ इन सेंस अनइक्वल होता है, सही, वो हमारा किसकी वजह से होता है, वो हमारा शंट कैपेसिटेंस की ही वजह से होता है। अगर शंट कैपेसिटेंस ना हो तो हमारा जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा अक्रॉस द स्ट्रिंग, वो हमारा सेम ही रहेगा, ठीक। तो इसे जनरली, ये भी जनरली वाली बात है कि अगर ये मेरे जो डिस्क बनी हुई है, सही, जो है कैपेसिटर बना रखे हैं, इसे मैं किससे रिप्लेस कर दे रहा हूं, दूसरे पेन से शो कर रहा हूं, ये मान लिया मेरा सी है, इसे मैंने मान लिया सी है, सही। तो इसे मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, केसी, सही। ये मेरा शंट कैपेसिटेंस, ये मेरा सेल्फ कैपेसिटेंस,
ये मेरा सेल्फ कैपेसिटेंस, ये मेरा सेल्फ कैपेसिटेंस। क्यों ये मेरा सेल्फ कैपेसिटेंस? क्योंकि ये इंसुलेटर के बीच में बन रहा है इटसेल्फ। और क्यों मेरा ये शंट कैपेसिटेंस? क्योंकि इंसुलेटर की पिन और अर्थ के बीच में बन रहा है, इसलिए शंट कैपेसिटेंस। तो ये लॉजिक बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पर क्या बना रखा है? कंडक्टर। अब मैंने जो लाइन बोली, मैंने आपसे क्या लाइन बोली कि मैंने आपसे बोला कि शंट कैपेसिटेंस की वजह से ही मेरा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो रहा है। तो उस चीज को देखते हैं कैसे अनइक्वल हो रहा है। देखिए, मैंने एक पॉइंट यहां पे माना, इस पॉइंट को मैंने मान लिया, चलिए ए, एक मुझे एक जंक्शन देख रहा है, इसे मैंने लिख दिया ए, ठीक। एक जंक्शन मुझे ये देख रहा है, इसे मैंने बोल दिया बी, सही। और एक ये है, इसे बोल दिया मैंने सी, ठीक। अब मैं अपना करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूं कि मेरा करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक। तो देखिए, यहां से करंट जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये कंडक्टर है ना, इसमें आपकी पावर फ्लो हो रही है, तो ये आपका चार्ज कंडक्टर है, करंट आपकी फ्लो करेगी। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, ये मेरा क्या हो गया, स्मॉल का आई थ्री मैंने बोल दिया, सही। यहां मैंने मान लिया इसने में, सही, ये मैंने मान लिया कैपिटल का आई थ्री। भाई यहां से करंट चली थी, कुछ करंट मेरी इधर चली गई, कुछ करंट मेरी इधर चली गई, जनरली मैक्सिमम करंट तो इधर ही जा रही है, सही, वो एक अलग बात है। फिर यहां पे ये कैपिटल आई थ्री पहुंची, सही। अब इस कैपिटल आई थ्री में से कुछ करंट इधर चली गई और कुछ करंट इधर चली गई, यहां मैंने बोल दिया स्मॉल आई टू और यहां मैंने बोल दिया कैपिटल आई टू। अब ये आई टू करंट यहां तक पहुंची है, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, अब मैं यहां पे बोल सकता हूं कि इस टोटल आई टू में से, टोटल कैपिटल आई टू में से कुछ करंट मेरी यहां चली गई, यानी ये क्या हो गई स्मॉल आई वन, और कुछ करंट मेरी यहां चली गई, ये मेरी हो गई कैपिटल आई वन, ठीक। एक बार मैं डायग्राम रिपीट कर दे रहा हूं, आपको न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में ये देखना होता है कि आपको कितनी नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क दे रखे हैं। जितने नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क दे रखे हो आपको, उतने नंबर ऑफ कैपेसिटर आप लगा दिया करो। ये आप मेरे लेक्चर देखिए, मैंने डिटेल में आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, कि हम क्यों इंसुलेटर डिस्क को कैपेसिटर से रिप्लेस कर रहे हैं, सही है, या फिर इंसुलेटर पिन, दो इंसुलेटर पिन के बीच में कैपेसिटेंस बन रहा है आपका, ठीक। चलिए, तो ये डायग्राम मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने यहां पे लिखा है C1 बराबर KC, सही, C1 बराबर KC लिखा है, लिखा नहीं है, मतलब यहां पे मैंने ये KC लिखा है मैंने, ठीक है। तो KC मैंने कैसे लिखा है, दरअसल जो आपका K है, K का आपका रिलेशन बनेगा, जो K का आपका रिलेशन आएगा वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका, देखिए थोड़ा इधर से लिख रहा हूं, जो मेरा K है, सी अगर मैं K की बात करूं तो K का रिलेशन क्या होगा, K होगा, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं तो उसे ध्यान से देखिएगा, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो K का रिलेशन होगा K बराबर शंट कैपेसिटेंस अपॉन सेल्फ कैपेसिटेंस, अच्छा चीज ध्यान रखिए, मैं छोटे छोटे से लिख रहा हूं, क्योंकि चारों एक ही बार में पूरा सवाल आपको पूरी बोर्ड में सॉल्व हो जाए, उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा कैसे बनेंगे, ठीक है। चलिए, क्या है, शंट कैपेसिटेंस अपॉन सेल्फ कैपेसिटेंस। अब यहां पर ऑब्जर्व करिए, यहां पर क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे रिलेशन निकालोगे, ठीक है। यह आपको दे रखा है 11%, यानी ऑब्वियसली बात है आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.11, ठीक है, सिंपल 0.11, यह आपकी K की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये K होता है आपका रिलेशन, आप याद रखिएगा, शंट अपॉन सेल्फ, किसी पर्टिकुलर बुक में कई जगह लिखा है सेल्फ अपॉन शंट, सही, लेकिन वो चक्कर उसमें आपको पढ़ने जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपकी पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। हाँ, आप चाहे ये मानो चाहे आप वो मानो, सही, आपका आंसर सेम ही आना है, क्योंकि फिर पूरी कैलकुलेशन अलग तरीके से करनी पड़ेगी, फिर के बाई सी करोगे या फिर सी बाई के करोगे, डिपेंड करेगा आप क्या मान के चल रहे हो, ठीक है। लेकिन तो हमें क्या पता है, हमें अपने के का फॉर्मूला ये लेके चलते हैं अपना रिलेशन। और दूसरी बात यहां पे दे रखा है, द कैपेसिटेंस बिटवीन ईच इंसुलेटर पिन एंड अर्थ इज 11% ऑफ सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ ईच इंसुलेटर पिन, सही। तो के की वैल्यू आपकी आ गई 0.11, सही, यहां तक चीज आपको क्लियर है। दूसरी बात, मैं वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज आपको दे रखा है 33 kV। अब अगर मैं 33 kV वोल्टेज की बात करता हूं, सही, तो मैंने आपसे क्या बोला,
मैंने आपसे बोला ये आपका लाइन वोल्टेज होगा, मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होती है इंसुलेटर वाले केस में, मुझे रिक्वायरमेंट होती है सर फेज वोल्टेज की, ठीक है। तो चलिए यहां पे वोल्टेज को थोड़ा सा शो कर रहे हैं, अगर वोल्टेज की बात कर लेते हैं तो वोल्टेज में एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये वोल्टेज है मेरा वी वन, ठीक है, ये वोल्टेज है मेरा वी टू, ठीक, और यहां पे ये पोटेंशियल है मेरा वी थ्री, सही। एक तरीके से ये V1, V2, V3 आपका क्या है, ये V1, V2, V3 आपका V1 मेरा टॉप इंसुलेटर डिस्क के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, ऐसे V2 मेरा मिडिल इंसुलेटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, ऐसे मेरा V3 मेरा बॉटम यूनिट है जो इंसुलेटर की उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। लेकिन हाँ ये बात एक बात और कंफर्म है कि भाई ये जो पोटेंशियल होगा आपका, इस पोटेंशियल की बात करूं, ये मेरा कितना होगा V, सही, इसे समझो जरा फिर से, देखो ये मेरा होगा V1, ये होगा V2 और ये होगा V3, लेकिन जो टोटल पोटेंशियल होगा वो होगा मेरा V। तो यहां पे V की वैल्यू आपकी क्या आएगी, सही, फेज वोल्टेज होगा ये V आपका, ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं इससे, ऑब्जेक्टिव में बाद में कराएंगे आपको। तो V यानी मैं लिख रहा हूं फेज वोल्टेज या फिर V फेज वोल्टेज सही, तो वो आपका क्या आएगा, आपको दे रखा है 33 kV, ठीक है, तो 33 डिवाइड बाय रूट थ्री, तो करिए इसे सॉल्व, देखिए क्या आपका आएगा, 33 बाय रूट थ्री से मतलब है, मैं सिंपल अपने मोबाइल वाले कैलसी से ही आपकी कैलकुलेशन कर रहा हूं, थर्टी थ्री बाय रूट थ्री का मतलब है आपका 33 डिवाइड बाय 19.05 केवी, ठीक है, ये आपका भी आ गया फेज वोल्टेज 19.05 केवी, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम करेंगे केसीएल केवीएल का यूज, ठीक है। तो देखिए जो आपके यहां पे कितने नोड बन रहे हैं, आपका एक नोड बन रहा है सर ए, सही है ए, दूसरा आपका बन रहा है बी और तीसरा बन रहा है सर आपका सी, तीन नोड है आपके पास। तो एक एक करके एक नोड पे चलते हैं, पहले मैं नोड ए की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं नोड ए की बात करता हूं या फिर जंक्शन ए की बात करता हूं, जंक्शन ए देखिए, सही, तो एट जंक्शन ए, एट जंक्शन ए, सही, जंक्शन ए की बात हो रही है। चलिए यहां पे जरा केसीएल लगाइए, यहां पे क्या लगाते हैं, केसीएल लगाते हैं, तो देखिए यहां पे देखिए ए नोड पे आपकी कितनी इनकमिंग करंट है और कितनी आपकी आउटगोइंग करंट है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अगर मैं इस नोड की बात करूं, देखो इनकमिंग करंट जंक्शन ए पे क्या है, I2 है, ठीक है, कैपिटल I2। अगर मैं बात करता हूं आउटगोइंग करंट की, तो आउटगोइंग करंट आपकी क्या है, यह आपकी स्मॉल I1 आउटगोइंग करंट है, कैपिटल I1 आउटगोइंग करंट है, ठीक है। यानी जंक्शन ए पे मैं क्या लिख सकता हूं, इनकमिंग करंट बराबर समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है, सही। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, I2 बराबर I2 बराबर कैपिटल का I1 प्लस स्मॉल का I1, ठीक है, सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे जो मेरा I2 है, देखो मेरा I2 कहां फ्लो हो रहा है, ध्यान से देखना, I2 मेरा सर ये फ्लो हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है कैपिटल I2 फ्लो होना और यहां तक मेरा फ्लो हो रहा है, तो कैपिटल I2 ये है सर मेरा, इसके अक्रॉस सर मेरा पोटेंशियल क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल सर मेरा V2 है, ठीक है ना, V2 है, यानी मैं यहां पे से, और कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस सी है, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं I2 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं V2 ओमेगा सी बराबर। अब चलो कैपिटल I1 की बात कर लेते हैं, अगर मैं कैपिटल I1 की बात करता हूं, यहां से फ्लो ना स्टार्ट हो रहा है, ये फ्लो कर रहा है कैपिटल I1, ठीक है,
इसका क्रॉस पोटेंशियल क्या है? V1 है, कैपिटल्स क्या है? C है, यानी मैं क्या लिख सकता हूं? V1 ओमेगा C, कैपिटल I1 V1 ओमेगा C प्लस स्मॉल I1। अगर मैं स्मॉल I1 की बात करता हूं तो स्मॉल I1 मेरा क्या है? स्मॉल I1 मेरा सर ये है, सही। स्मॉल I1 मेरा यहां से लेके यहां तक फ्लो कर रहा है, सही। उसके बाद अब वो बात अलग है, अभी उस कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं कि वो फ्लो हो के आपका यहां जा रहा है या फिर यहां जा रहा है, वो बात डिस्कस नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? ये है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है? I1 V1, V1 है ना, और कैपेसिटेंस क्या बनेगा? KC। यानी इसे मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? इसे मैं रिप्लेस कर सकता हूं V1 K ओमेगा C या फिर KC, ठीक। तो ये रिलेशन आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये रिलेशन आप लिख लेते हो तो सवाल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपका ओमेगा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए ओमेगा 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 ऐसे सेम सी सी सी, यानी रिलेशन आपका क्या निकल के आएगा? ये रिलेशन आपका आएगा वी टू बराबर वी वन प्लस वी वन के। यहां पे आप क्या कर सकते हो? वी टू बराबर वी वन वन प्लस के, ठीक। इसे आप क्या लिख सकते हो? V2 बराबर V1 1 प्लस K। अब अगर मैं K की बात करता हूं, सही, आपकी K वाली बात हो रही है, तो K आपका क्या है? K की वैल्यू आपको दे रखी है 0.11, न्यूमेरिकल में सर गिवन है, तो यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.11, सही। इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? V1 या फिर डायरेक्ट लिख लो 1.11 V1, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसे मैं इन सर्कल कर दे रहा हूं, ये आपकी, सही। अब मैंने जो काम करा था जंक्शन ए पर, सही, मैंने भाई नोट जो आपका जंक्शन ए था वहां पे मैंने केसीएल लगाया था। अब मैं क्या करता हूं, जो मेरा जंक्शन बी है यहां पर देखते हैं, यहां पर चलिए केसीएल लगाते हैं। तो एट जंक्शन बी, एट जंक्शन बी, तो जंक्शन बी पे कहानी देखते हैं क्या बनेगी, सही, समझो। सेम कहानी जंक्शन बी पे रहेगी, जंक्शन बी पे क्या कहानी रहेगी? इनकमिंग करंट बराबर समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक। देखो ध्यान से, बी पे सर आपकी कौन सी करंट इनकमिंग है? देखो इस वाले बी जंक्शन पे कैपिटल आई थ्री करंट आपकी इनकमिंग है, ठीक है। आउटगोइंग करंट सर आपकी कौन सी है? स्मॉल आई टू आउटगोइंग करंट, कैपिटल आई टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। यानी कैपिटल आई थ्री आपकी है इनकमिंग करंट, स्मॉल आई टू क्या है आपकी? आउटगोइंग करंट। कैपिटल आई टू है आपकी आउटगोइंग करंट, यानी मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर रिलेशन केसीएल के अकॉर्डिंग? मैं यहां पर लिख सकता हूं आई थ्री इक्वल टू, आई थ्री इक्वल टू कैपिटल का आई टू प्लस स्मॉल आई टू, ठीक है। अब यहां देखिए, कैपिटल आई थ्री को मैं क्या लिख सकता हूं? कैपिटल आई थ्री की बात कर रहा हूं, तो देखो ये इसके अक्रॉस इतने में यहां से लेके यहां तक फ्लो कर रही है ना कैपिटल आई थ्री मेरी करंट, तो यहां पे फ्लो कर रही है, इसके अक्रॉस सर मेरा पोटेंशियल कितना है? इसके अक्रॉस सर मेरा पोटेंशियल है वी थ्री, ठीक है। मेरा कैपेसिटेंस कितना है? सी। यानी इसे मैं सर लिख सकता हूं वी थ्री ओमेगा सी। देखो कैलकुलेशन आप भी चेक करते रहे ना, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस रहते हैं, ठीक है। कैपिटल आई टू की बात कर ले रहा हूं, कैपिटल आई टू सर आपकी कितने पोर्शन में फ्लो कर रही है? सर इतने पोर्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये आप कितने पोर्शन में आई टू हो गई, पोटेंशियल इसका अक्रॉस इतना हो गया वी टू हो गया, कैपेसिटेंस सी हो गया। यानी कैपिटल आई टू क्या लिख सकता हूं? वी टू ओमेगा सी प्लस स्मॉल आई टू की बात करूं, स्मॉल आई टू देखो ध्यान से देखना, सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फ्लो कर रही है, ठीक। फिर से मैं शो कर रहा हूं, तो देखो ध्यान से, स्मॉल आई टू के लिए कितना पोटेंशियल आपका रहेगा? वी वन प्लस वी टू, ठीक है, वी वन प्लस वी टू, कितना कैपेसिटेंस रहेगा? केसी, ठीक। यानी यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं आई टू के लिए? इसे मैं लिख रहा हूं सर वी वन प्लस वी टू, V1 प्लस V2
ओमेगा केसी, ठीक है। तो यहां तक आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। देखो ये इक्वेशन लिखनी अगर आपको आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही। अगर इक्वेशन लिखनी नहीं आ रही है तो दिक्कत आपको आएगी। अब मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूं, यहां पर देखिए जरा ध्यान से भाई, आपका ओमेगा सी, ओमेगा सी, ओमेगा सी, ओमेगा सी, ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। यानी यहां से आप अगर मैं V3 की बात करूं तो V3 को आप क्या लिख सकते हो, इसे अगर आप सॉल्व करोगे, सही है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप इसे पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूं V2, ये तो मेरा V2 हो ही गया, सही है। V2 के अलावा आपका क्या आएगा, V2 के अलावा आपका आएगा प्लस V1 प्लस V2 के, सही। ये मैंने डायरेक्ट चलिए वही सिंपल लिखा है, तो V2 प्लस V1 प्लस V2 के, सही। ओमेगा सी तो आपका कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, यहां पे ऑब्जर्व करने वाली बात है ये है कि देखो V2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है ना, 1.11 V1, तो इस वैल्यू पर रख दीजिए, ठीक। तो यहां पर रखते हैं वैल्यू, या फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इतनी जगह नहीं बचेगी हमारे पास। V2 की वैल्यू आपकी क्या है, V2 की वैल्यू है 1.11 V1 प्लस V1 प्लस V2, तो V1 को तो V1 ही रखो, और V2 की बात करें, V2 आपको पता है 1.11 V1, और बात कर लेता हूं K की, तो K की वैल्यू आपकी क्या आएगी। अगर मैं K की वैल्यू की बात करूं तो K की वैल्यू सर आपको 0.11 दे रखी है, 0.11। एक बार ये वैल्यूज देख लीजिए, इन वैल्यूज को रखने में कोई अगर गड़बड़ होगी तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व कर ले रहे हैं, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं कैलसी से, सही। 1.11 प्लस 1.11 ये आपका आएगा 1.342 V1, सही है, 1.342 V1। तो V3 की वैल्यू आएगी 1.342 V1, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आ गई, देखो बहुत छोटे छोटे लिख रहा हूं, लेकिन आप जूम करके देखोगे तो आपको विजिबल होगा, चलिए ठीक। तो अब आपके पास क्या क्या वैल्यूज आ गई, अब आपको सर पता है अपनी V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू, सही। अब मैं क्या करता हूं, पहले हमसे पहले सवाल में क्या पूछा गया है, पहले पूछा गया है फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज ओवर 3 इंसुलेटर, सही। यानी हर एक इंसुलेटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, और कितना पोटेंशियल है, मैंने आपको बताया ना, इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस V3 है, यानी मुझे अपनी V1 V2 V3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सही। तो देखिए वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग, वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग, सही है। अगर मैं पूरे स्ट्रिंग की बात करूं तो कितना पोटेंशियल रहेगा सर, V रहेगा ना आपका पोटेंशियल, अगर वोल्टेज अक्रॉस, सही। और V मेरा क्या होगा सर, देखो V मेरा होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, आगे लिख ले रहा हूं डायरेक्ट, V=V1 प्लस V2 प्लस V3, V=V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। यहां पे सारी वैल्यूज रखिए, तो V1 की वैल्यू तो V1 ही रखिए। अब अगर मैं V2 की बात करूं, V2 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 1.11 V1, सही। ऐसे अगर मैं बात करूं V3 की, तो V3 की वैल्यू दे रखी है 1.342 V1, सही। तो हमने देखो यहां पे जो कैलकुलेशन करी है, समझो जरा बात को, कॉन्सेप्ट को समझो, हमने क्या करा, हमारे पास 3 अननोन वेरिएबल थे जो हमें नहीं पता थे, ठीक है। हमने क्या करा, हमने रिमेनिंग 2 वेरिएबल को V1 की टर्म में ले आया, सही है, वही काम तो करा है, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन है, तो अगर एक इक्वेशन है तो हमारे पास एक अननोन वेरिएबल होना चाहिए। खैर इसे आप सॉल्व करिए, तो ये आपका सॉल्व होके क्या आएगा, 1 प्लस 1.11 प्लस 1.342,
ये जो आपको सॉल्व क्या जाएगा, ये आएगा, ये आपका आएगा 3.452 V1 ठीक है। तो ये आपकी, अब यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करिए, आपको सर V की वैल्यू तो पता है ना, V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है सर आपकी 19.05 kV, ठीक। यानी यहां पर आप 19.05 kV रखिए, डायरेक्ट आपकी V1 की वैल्यू आ जाएगी, सही। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, देखिए 19.05 बराबर 3.452 V1, सही, मींस V1 बराबर, या फिर इसी में आगे डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, V1 बराबर 19.05 डिवाइड बाय 3.452। तो देखिए ये सॉल्व होके आपका क्या आएगा, अगर इसे देखता हूं सॉल्व होके, 19.05 डिवाइड बाय 3.452, 5.51, सही है। ये जो आपका सॉल्व होके आएगा, ये आपका आएगा 5.51, ठीक। तो इससे मैं बोल सकता हूं 5.51 kV, सही। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपकी आ गई V1 की, ठीक है। और यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 5.51 kV है या फिर 5.52 kV है, आंसर मैच नहीं कर रहा हूं, 5.52 कर लीजिए, जो 5.518 करके थी, सही है। चलिए तो ये वोल्टेज आ गया। अच्छा आप बात जरा समझो, ये V1 आपका होगा क्या, ये V1 होगा वोल्टेज अक्रॉस द टॉप यूनिट, सही, वोल्टेज अक्रॉस द टॉप यूनिट। उसके बाद में बात करूं वोल्टेज अक्रॉस द बॉटम, सॉरी मिडिल यूनिट, भाई तीन निकालना है ना, टॉप यूनिट के अक्रॉस निकालना है, मिडिल यूनिट के अक्रॉस निकालना है और बॉटम यूनिट के अक्रॉस निकालना है, सही है। तो लिखिए वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस मिडिल यूनिट, वोल्टेज अक्रॉस मिडिल यूनिट आपका क्या होगा, देखो वोल्टेज अक्रॉस मिडिल यूनिट की बात करूं तो आपका V2 होगा, भाई V2 होगा ना मिडिल यूनिट। तो देखो यहां पे आपको क्या दे रखा है, यहां पे आपको दे रखा है V2 बराबर 1.11 V1, यानी आप क्या बोल सकते हो, V2 बराबर 1.11, मैं रिलेशन नहीं लिखा हूं, डायरेक्ट लिखा हूं V1, और V1 आपको पता है इंटू 5.52, सही। ये देखिए आपका सॉल्व होके क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करिए तो ये सॉल्व होके आएगा आपका 1.11 इंटू 5.52, तो ये आपका आएगा 6.1272, सही, 6.1272 या फिर 6.13 kV लिख ले रहे हैं, 6.13 kV, ठीक है। ये आपका आ गया V2 की वैल्यू, सही। ऐसे एक आपको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस बॉटम यूनिट, बॉटम यूनिट के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, तो वो देखिए वोल्टेज मैं कॉमन लगा दे रहा हूं अक्रॉस बॉटम यूनिट, वो होगा आपका V3। अब देखिए V3 आपको क्या दे रखा है, अगर V3 की बात करूं, V3 दे रखा है 1.342 इंटू V1, क्या दे रखा है, V1 दे रखा है ना, तो V1 की वैल्यू आपकी क्या है, V1 की वैल्यू है 5.52, सही। तो इसे करिए सॉल्व, ये आपका क्या आएगा 1.342 इंटू 5.52, 7.407, सही। तो इसे मैं क्या लिख, इसे क्या लिख सकता हूं, 7.4 kV, 7.4 kV, ठीक। तो ये आपकी V3 की आ गई। तो ये सवाल का आपका पहला पार्ट हो गया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज ओवर 3 इंसुलेटर, सही। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यही मैं नीचे सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए
स्टिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आपका, ये इतना पार्ट तो हो गया आपका पहला पॉइंट सही। स्टिंग एफिशिएंसी का आपका फॉर्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, सही, कि आपकी जो पूरी स्ट्रिंग है उसके अक्रॉस वोल्टेज, पूरी स्ट्रिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज है भाई, पूरी स्ट्रिंग के अक्रॉस वी वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग डिवाइड बाय एन, एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क इनटू, सही, इनटू जो आपका इंसुलेटर होता है, सही, वो सॉरी नंबर ऑफ इंसुलेटर इनटू जो आपका सबसे बॉटम यूनिट होता है, सही, उसके अक्रॉस पोटेंशियल यानी वी थ्री, ठीक। तो सीधे स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा ले रहे हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं आपको लिख रहा हूं, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एफिशिएंसी बराबर वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क, नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क, नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क इंटू जो सबसे बॉटम वाली यूनिट है, सही है, इंसुलेटर डिस्क की उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, तो वो ऑब्वियस सी बात है ना सर, V3 है ना मेरा पोटेंशियल, तो मैं यहां पे क्या लिख दे रहा हूं, यहां पे मैं लिख दूंगा अपना V3, V3 इंटू 100, सही, वैल्यूज रख दे रहा हूं। देखो वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग मेरा V है, V की वैल्यू क्या दे रखी है 19.05 दे रखी है, तो मैंने वैल्यू क्या रखी 19.05, सही। उसके बाद मैं बात करता हूं नंबर ऑफ इंसुलेटेड डिस्क, कितनी डिस्क है सर आपके पास, एक डिस्क, दो डिस्क, तीन डिस्क, यानी ये मैंने रख दिया थ्री इंटू वी थ्री, वी थ्री की वैल्यू क्या दे रखी है 7.4, इसमें क्या रख सकता हूं 7.4 इंटू 100, सही, इसे सॉल्व करिए, यहां पे आएगा 19.05 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 7.4 इंटू 100, ये जो आपका सॉल्व क्या आएगा, यह आपका सॉल्व क्या आएगा 85.8%, 85.8%, ठीक। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये पूछा गया था स्ट्रिंग एफिशिएंसी। यहां पे देखते हैं, अब ये पूरा आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, अब यहां पर ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई सर ने इतना लंबा सवाल करा दिया, एग्जाम में तो आना नहीं है आपके इतना लंबा सवाल, आपके पेपर तो सर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, सही, जनरली अगर बात करें एसएससी जेई में तो चलो कन्वेंशनल पेपर आ रहा है, कन्वेंशनल पेपर तो ये 30 नंबर का न्यूमेरिकल है। अब समझो इस सवाल से मैं आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच समझाने की कोशिश कर रहा हूं अगले 2-3 मिनट में, वो चीज ध्यान से समझना। देखो अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मतलब ये क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं, सही। देखिए जैसे आपको सिंपल क्या है, आपको यहां पर मैं रेड पेन से शो कर रहा हूं, देखिए आपसे डायरेक्ट क्या है, आपसे सीधे शंट कैपेसिटेंस वैल्यू दे रखी होगी और सेल्फ कैपेसिटेंस वैल्यू दे रखी होगी, और आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यह बन सकता है कि भाई तीन इंसुलेटर डिस्क है मेरे पास, तो किस इंसुलेटर डिस्क पे मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो अब रटने की जरूरत नहीं है आपको, आपको दिख रहा है कि भाई जो मेरा V1 है, सही, अगर मैं V1 की बात करूं तो देखो V1 मेरा 5.52 केवी, ऐसे V2 मेरा 6.13 केवी, ऐसे V3 मेरा 7.4 केवी, सही है। यानी आप यहां पे क्या बोल सकते हो, अगर आपने सवाल लगाया है, अपना टाइम लगाया है आधे पौन घंटा, तो देखो यहां से रिलेशन देखा है ना आपको, क्या रिलेशन देख रहा है आपको, रिलेशन देख रहा है सर V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1, यानी कंडक्टर के पास आपकी जो इंसुलेटर डिस्क होती है उस पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा, और जो कंडक्टर से सबसे दूर होती है आपकी यूनिट इंसुलेटर डिस्क की उस पे सबसे कम पोटेंशियल होगा,
तो अब इसे रटने की जरूरत नहीं है। अब ये अगर आपने सवाल से इसे लगाया है तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा के लिए आपका हो गया। सही, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। सही, उसके अलावा आपसे स्ट्रिंग एफिशिएंसी पूछते हैं। सही, अब यहां तो चलिए लंबा चौड़ा सवाल था, आपको सवाल में क्या गिवन होगा, आपको डायरेक्ट दे रखा होगा वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग। सही, मान लेते लाइन वोल्टेज दे रखा होगा, आप खटाक से उसे फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करो, फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करा, उसका नंबर ऑफ डिज दे रखी होंगी और V3 की वैल्यू दे रखी होगी। सही, कि भाई अब V3 डायरेक्ट नहीं लिखा होगा, सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल की लैंग्वेज में क्या लिखा होगा, ऑब्जेक्टिव सवाल की लैंग्वेज में लिखा होगा कि बॉटम यूनिट के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सही, उसे आपको रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ये आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, आप डायरेक्ट स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो। ठीक है, यहां पर और भी ऑब्जर्व करने वाली बातें, बात को समझो, स्ट्रिंग एफिशिएंसी है आपकी। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी की बात करता हूं तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव में आता है कि भाई 100% होनी चाहिए, 90% होनी चाहिए, 80% होनी चाहिए, 70% होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है 100% होनी चाहिए। ठीक है, अब आइडियल कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है, तो चलो भाई 95% हो, 96% हो, 98% हो। सही, यानी स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमारी टुवर्ड्स 100% होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी का क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। ठीक है, अब यहां पे आपका क्या है, ये क्वेश्चन टाइप से बनता है कि भाई स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसके तो आपके बहुत सारे मेथड्स हैं। सही, लेकिन इस सवाल के अकॉर्डिंग मैं आपको क्या बोल रहा हूं, देखो बात को समझो, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे भी करके अपनी इस वैल्यू को 100% यानी ज्यादा रखना है। ये वैल्यू मेरी ज्यादा कम होगी, ये वैल्यू मेरी ज्यादा तब होगी जब मेरी ये वैल्यू ऑब्वियसली बात है कम होगी, जब मेरी V3 वैल्यू जितनी कम होगी मेरी स्ट्रिंग एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। यानी हमारी कोशिश क्या होगी कि जो बॉटम यूनिट है उस पर पोटेंशियल कम रहे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि वो सीधे ही कंडक्टर के पास में होती है। सही, तो ये क्वेश्चन बन गए। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ठीक है, जैसे आपसे शंट और सेल्फ में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए सवाल हो गया, लेकिन हमारा जो मैंने आपको सवाल कराया है लगभग मेरे ख्याल से काफी ज्यादा टाइम लग गया, 40 मिनट से ज्यादा हो गया। सही, लेकिन मेरा यहाँ पे मेन कंसर्न क्या है कि आप किसी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर लगा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो, उस क्वेश्चन के साथ क्या क्या आपके सीखने वाले चीजें हैं उन चीजों को देखा करो। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग एफिशिएंसी में नॉर्मल कहानी क्या बन जाती है कि भाई गार्डिंग लगाते हैं हम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल बनाने के लिए, या फिर हम लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज करते हैं, या फिर हम ग्रेडिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सारे ऑब्जेक्टिव चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। ठीक, चलिए, इस क्वेश्चन से तो आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।